यूपी के संभल में हुए कोल्ड स्टोरेज हादसे में जिला प्रशासन को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद हादसे के आरोपी और कोल्ड स्टोर के मालिकों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं डीएम संभल मनीष बंसल और एसपी चक्रेश मिश्रा ने हादसे की नई जानकारी मीडिया में साझा की है। संभल में हुए कोल्ड स्टोरेज हादसे में पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर संवेदना जताई थी। इसके बाद से संभल जिला प्रशासन बेहद सक्रिय है। जिला प्रशासन हादसे को लेकर जांच पड़ताल कर रहा है। इसी बीच यूपी से बाहर भागने की योजना बना रहे आरोपी रोहित अग्रवाल और अंकुर अग्रवाल को पुलिस ने धर दबोचा। बता दें कि हादसे के बाद ये दोनों आरोपी फरार थे। पुलिस पिछले दो दिन से इनकी तलाश कर रही थी। आज तहसील सभागार में दो दिन पूर्व हुए कोल्ड स्टोरेज हादसे को लेकर डीएम और एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें जिलाधिकारी ने बताया कि इस हादसे में अब तक 14 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, वहीं 10 लोग घायल हुए हैं। इस दर्दनाक हादसे का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिजनों के लिए 2 लाख के मुआवजे की घोषणा की है। कि परसों चंदौसी के बरई गांव में एआर कोल्ड स्टोरेज जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ। उसका एक भाग, उसकी छत गिर जाने के कारण उसमें जो कार्य कर रहे थे पल्लेदार और कोल्ड स्टोरेज के कुछ अन्य कर्मचारी, उनके दबने की घटना लगभग 12 बजे प्राप्त हुई दोपहर को। ये उससे 15 से 20 मिनट पहले की घटना थी। तत्काल वहाँ पर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और अन्य सभी जो आवश्यक विभाग हैं, मेरे द्वारा स्वयं कप्तान साहब के द्वारा पहुंचकर वहाँ पर प्राथमिक जो रिलीफ वर्क है उसको शुरू करवाया गया। इसमें हम लोगों ने SDRF और NDRF से संपर्क किया। SDRF की 3 टीमें अलग अलग जगह से, जिसमें बरेली से, मुरादाबाद से और इटावा से, और इसके अलावा NDRF की एक बड़ी टीम ने मौके पर पहुंचकर रिलीफ का कार्य शुरू करवाया। वहां पर पहले दिन हम लोगों को 11 लोग जो जीवित थे उनको मलबे से निकाला गया और उनको विभिन्न अस्पतालों में उपचार के लिए भेजा गया। इस पूरी घटना में 13 जो लोग हैं उनकी डेड बॉडीज़ वहाँ से निकाली गई, उनकी दुर्घटना में दुर्भाग्यपूर्वक मृत्यु हो गई थी। और जो 11 लोग उपचार जिनका चल रहा था उनमें से एक व्यक्ति की कल शाम को TMU में इलाज के दौरान ही मृत्यु भी हो गई। जो मृतक हैं उनके नाम हैं रोहताश पुत्र भूरे ग्राम एतौल, राकेश पुत्र चंद्रपाल ग्राम बर्रई, इश्तियाक पुत्र रशीद ग्राम मई, प्रेम पुत्र मोहनलाल ग्राम कैथर, भूरे पुत्र भगवान दास ग्राम एतौल, सोमपाल पुत्र ब्रह्मचारी ये ग्राम बछेड़ा जनपद बदायूं के हैं, सतीश पुत्र रामस्वरूप ये भी ग्राम एतौल, शिशुपाल पुत्र बाबूराम ग्राम कैथर, सूरजपाल पुत्र नंदराम ग्राम एतौल, दिलशाद पुत्र कल्लू ग्राम एतमादपुर ये भी जनपद बदायूं के हैं, थाना इस्लामनगर लगता है, राजकुमार पुत्र भोजराज ग्राम कैथल, प्रमोद पुत्र देवीदास ग्राम एतौल, सूरजपाल पुत्र छत्रपाल ग्राम कैथल और रामवीर पुत्र राजेंद्र ग्राम कैथल। ये जो 14 लोग जिनकी दुर्भाग्यपूर्वक मृत्यु हुई है इनका माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा तत्काल इसका संज्ञान लिया गया और उनके लिए राहत की ऐलान भी किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसमें 2-2 लाख रुपए की प्रत्येक मृतक के लिए घोषणा की गई थी, लेकिन अब इसको जो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना है उसके अंदर। हादसे की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने कहा कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोल्ड स्टोरेज संचालक अंकुर अग्रवाल और रोहित अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया है। कल की घटना के संबंध में जो विस्तृत जानकारी है वो आपको जिलाधिकारी महोदय के द्वारा भी दी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग की तरफ से की गई कार्रवाई के संबंध में आपको अवगत कराना है कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की जनपद में उपस्थित सभी इकाइयों को एक्टिवेट करते हुए उनको मौके पर पहुँचाया गया। साथ में 3 कंपनी PAC, SDRF और NDRF की टीम मौके पर पहुंची। सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी थी कि वहाँ पर कोई और इस तरह की आगे कोई उसमें स्खलन ना हो, उसमें किसी प्रकार से कोई जनहानि ना हो, उसको रोकने के लिए पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया। जो गांव के लोग और जो परिजन थे जो वहाँ पर पहुँचे हुए थे उनको समझा बुझा कर वहाँ से हटाया गया। उसके पश्चात रिलीफ वर्क प्रारंभ किया गया। पहले
कोशिश की गई कि जो लोग जीवित हैं उनको निकालने का प्रयास किया गया, तत्पश्चात आगे की कार्रवाई की। इसमें मृतक की तरफ से, उनके परिवार की तरफ से, उनके परिजनों की तरफ से एक तहरीर थाना चंदौसी में प्राप्त हुई, जिसके आधार पर धारा 304 के अंतर्गत FIR पंजीकृत की गई और दो नेम्ड अभियुक्त जो इस जो कोल्ड स्टोरेज था इसके मालिक थे और संचालक थे, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके नाम रोहित अग्रवाल व अंकुर अग्रवाल हैं। इन दोनों को अभी पूछताछ इनके साथ की जा रही है और आज इनको माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें आसपास के तथा इनके जो कोल्ड स्टोरेज है इसके संचालन में जो लोग लगे हुए हैं, ऐसे अन्य भी करीब 8 से 10 लोगों के साथ पूछताछ की गई, उनसे जो तथ्य हासिल हुए उसके आधार पर इन दोनों लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आगे भी इसमें अगर कोई अन्य तथ्य प्रकाश में आता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर हादसे में जान गंवाने वालों का आज अंतिम संस्कार किया गया, परिजनों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। वहीं पता चला है कि कोल स्टोर में बनाए गए अतिरिक्त चैम्बर के ढहने से ये हादसा हुआ था। इस हादसे में 24 मजदूर मलबे में दबे थे, जिन्हें करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाल लिया गया था। घटना के तुरंत बाद प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह ने जिला उद्यान अधिकारी को सस्पेंड करने का आदेश दे दिया, साथ ही न्यायिक जांच के आदेश हुए हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि हादसे में कितने लोगों की जवाबदेही तय होती है और किस किस पर कार्रवाई होगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।